आपका हमारी खास पेशकश अखाड़े में बुलबुल में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदनी। अखाड़े में पहलवानों को तो लड़ते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन नाजुक कहलाने वाली चिड़िया बुलबुल की फाइटिंग शायद ही आपने कभी देखी हो। कानपुर में मकर संक्रांति के दिन बुलबुल को रिंग में उतारा जाता है, जो अपनी प्रतिद्वंदी को चित करने के लिए हर ताप आजमाती है। इतना ही नहीं, इन नन्ही चिड़ियों को कुश्ती के लिए तैयार करने के लिए इनकी डाइट का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। बुलबुल का अखाड़ा हो गया है तैयार। बॉक्सर बुलबुल का अनोखा दंगल। दंगल के लिए विशेष रूप से की जाती है तैयार। खानपान से लेकर वर्जिश तक कराई जाती है। हारने वाली बुलबुल को कर दिया जाता है रिहा। जीतने वाली बुलबुल को नसीब होती है कैद। जो बुलबुल मैदान जीती वो फिर लड़ेगी लड़ाई। आपने इंसानों का दंगल देखा होगा, बड़े जानवरों का दंगल भी देखा होगा, लेकिन अब आप देखेंगे अखाड़े में बुलबुल। दरअसल कानपुर के परमट चौराहे के पास आयोजित होने वाले इस अनोखे दंगल के नजारे को देखने के लोग साल भर का इंतजार करते हैं, क्योंकि सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही यहां बुलबुल की अनोखी कुश्ती का आयोजन किया जाता है। इस कुश्ती के लिए बुलबुल के खान पान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। बुलबुल पालने वाले बताते हैं कि इन्हें खाने के लिए भुना हुआ बेसन, किशमिश, छुआरा, खजूर, फल और दूध दिया जाता है, ताकि इनके शरीर में ताकत आए। वहीं पहलवानों की तरह ही इनको वर्जिश भी कराई जाती है, जिससे इनमें अधिक समय तक लड़ने का स्टैमिना बना रहता है। ये हम बचपन से पालते हैं। ये तीन चार प्रकार के होती हैं, ताऊकी, सफेदा और कलकतिया। इनके जो दंगल होते हैं वो किसी के से होते हैं? ये टूर्नामेंट होता है, 10-12 लोग मतलब टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, और बाहर के भी आते हैं। और हम लोग प्रतापगढ़ भी लड़ाने गए थे पिछले साल 26 जनवरी को, वहाँ पे टूर्नामेंट होता है। वहाँ पे फर्स्ट प्राइज जंजीर थी, सेकंड प्राइज कलर टीवी और थर्ड प्राइज साइकिल थी। अच्छा, इनके खाने के लिए क्या होता है? खाने के लिए भुना हुआ चना का बेसन, सारे फल, सारे फलों के जूस, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, छुआरा, जाड़े में यही सब खाते हैं। आप लगभग ये हम 35-40 साल से पाल रहे हैं। कब से पाल रहे हैं? ये करीब हो गए हमको 40-45 साल। कैसे देखभाल करते हैं इनको? बाकायदे नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, और साफ सुथरी ये चिड़िया है, सुबह शाम नहलाते हैं इनको। अच्छा, इन लोगों का जो टूर्नामेंट होता है वो किस तरीके से होता है? टूर्नामेंट इस तरीके से होता है कि 150 लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग मिलके अपना एंट्री जमा करते हैं, और एंट्री जमा करने को तैयार किया जाता है। इनको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। सवेरे 5 बजे उठना पड़ता है, पारिक जाना पड़ता है, वहाँ इनकी रियाज करानी पड़ती है, फिर उसके बाद इनको दूध अनार ये दिया जाता है, फिर काफ़ी जो है इनकी सेवा करनी पड़ती है। काफ़ी सेवा करने के बाद फिर लड़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं। उसमें कुछ प्राइज भी होते हैं? हाँ, प्राइज भी होते हैं। जैसे क्या प्राइज हैं? जैसे टीवी है, जंजीर है, अंगूठी है, इस तरीके से प्राइज भी होते हैं। सर, एक कब से आ गए बुलबुल? ये करीब हो गए 25 साल से। किस तरीके से इनकी रहन सहन, किस तरीके इनका पालन पोषण करते हैं? पालन पोषण हम परमट से करते हैं। अच्छा, किस तरीके से होता है पालन पोषण इनका? अच्छी तरीके से करते हैं हम लोग इनको, बेसन का चना ना, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, फल, दूध, देसी घी में बेसन घुसता है, उसी में सब मिला के फल वगैरह जूस देते हैं। जो दंगल होते हैं, इनके दंगल कब किए जाते हैं? दंगल के जनवरी में लगे हुए हैं प्रतापगढ़ में, वहाँ पे दंगल लड़ेंगे। कम से कम 15-20 चुड़िया जाएगी। इलाहाबाद के लोग आते हैं, बनारस से आते हैं, कलकत्ते आए।
करीब 25 साल हो गए बुलबुल पालते हैं। दंगल से पहले बुलबुल के दोनों पंखों के बीच से रेशम की डोरी को लपेटते हुए पेड़ से लटका दिया जाता है। इसके बाद एक पतली सी रस्सी के सहारे लोहे के अड्डे पर बांध दिया जाता है। लड़ाई से एक दिन पहले से ही बुलबुलों को भूखा रखा जाता है और दंगल के मैदान में आते ही रस्सी की गांठ खोल दी जाती है। दो बुलबुलों को आमने सामने करने के बाद उन्हें बीच बेसन की बनी गोलियां दिखाई जाती हैं। पहले खाने के चक्कर में उनमें घमासान शुरू हो जाता है। बुलबुल दंगल में पहले तो जमीन पर ही लड़ती है, लेकिन अगर उन्हें मौका लगा तो वे उड़कर भी हवा में भी लड़ाई लड़ती हैं। इस दंगल की खास बात यह है कि ये बुलबुल दूसरी बुलबुल से करीब एक घंटे से ज्यादा लड़ सकती है। इनके पालने व कहना है कि वो शौक के लिए बुलबुल हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें लड़वाने के लिए प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया है और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि इस दंगल में हारने वाली बुलबुल को आजाद कर दिया जाता है। जबकि जीतने वाली बुलबुल को कैद की सजा मिल जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जीतने वाली बुलबुल को अगले मैच के लिए तैयार किया जाता है। प्रदेश में कई जगह पर बुलबुल के दंगल में प्राइज मनी भी रखी जाती है। हालांकि अब बुलबुल पालने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। कलकत्ता की बुलबुल को अच्छा लड़ाका माना जाता है। उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में बुलबुल के दंगल की परंपराएं हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने असम के हाजो में हया गरीब माधव मंदिर में बुलबुल पक्षी की पारंपरिक लड़ाई पर कुछ साल पहले प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश पर हाजो और असम के अन्य भागों के मंदिरों के पुजारियों ने प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था, जिसमें इसके साथ भगवान विष्णु को सम्मान दिया जाता है। ब्यूरो हेड अभिलाष वाजपेयी के साथ विक्रम की खास रिपोर्ट। और इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।